हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है सबको? किसी पेपर को कुछ पूछना है? आपके पेपर है परसों। पूछना है तो पूछ लो अभी। स्केलेटन के बारे में पूछना था सर। इसके बारे में आप सर स्केलेटन पूछे। सर मैं कह रहा था सर एक्सो जो एक्सो स्केलेटन होता है सर जी, वो कौन कौन से होते हैं। एक्सोस्केलेटन हमारे नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और टीथ होते हैं। सर तो वो बोन में आते हैं स्केलेटन में आते हैं। वो बोन में नहीं आते हैं, बोन होती है हमारी जो एंडोस्केलेटन होता है, ये आते हैं हमारे एक्सोस्केलेटन तो सर नील्स स्केलेटन में। हाँ मतलब ये है सर स्केलेटन है, हमारा टाइप ऑफ स्केलेटन है एक्सो वाला। ओके सर ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? कोई भी रिलेटेड डाउट हो। नहीं पूछना तो ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सर स्ट्रक्चर पाई एक बार पाइरूवेट वाला सर बता देना सर किसका वाला? जो जो पाइरूवेट होता है हाँ जो एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन वाला रिएक्शन नहीं होता तो सर उसमें क्या क्या बनता है। अच्छा देखो, ग्लूकोज से पाइरूवेट। ठीक है, ये तो हर टाइप के रिएक्शन में चलता है, चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे वो एयरोबिक हो, या फिर लैक्टिक एसिड साइकिल हो। ठीक है, ये तो हर किसी में बनेगा पाइरूवेट। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, वो डिफरेंट हो जाते हैं। जो हमारा एनारोबिक होता है उसके अंदर बनता है हमारे इथेनॉल, इथेनॉल और बनता है हमारा CO2। इथेनॉल होता है हमारा 2 कार्बन का, CO2 होता है हमारे 1 कार्बन। ओके सर सर ये हमारी बॉडी में ही होता है। हाँ बॉडी में ही होता है हमारे। ओके सर ठीक ओके सर अभी सर एक बार वो बता दो वो हमारी बॉडी में बोन्स कितनी कितनी कहाँ होती हैं। बॉन्स कितनी कितनी कहाँ होती है? देखो बेटा, सारा तो नहीं बता पाऊंगा। नोट्स हैं आप सबके पास? चलो बॉन्स बता देता हूँ। हमारे जो जो बॉन्स होती है बॉडी में 206 होती है। वर्टिब्रेट में हमारी 33 होती हैं। एक आर्म्स की बात करें, आर्म्स में होती है पहले, फिर सर हाँ सर जो आपने अभी बताया था ये एथेनॉल वाला सर ये हाँ तो ईस्ट में लिखा है बुक में। हाँ ईस्ट में भी होता है, फर्मेंटेशन से बनता है ना ये। यस सर हमारी बॉडी में तब होएगा जब हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीजन लैक ऑक्सीजन जो होगा एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कंडीशन आती है हमारी कि जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, टेक्निकली देखे जाए तो ये सारी चीजें, ये जो इथेनॉल बनेगा ये बनेगा हमारे मरने के बाद, मरने के कुछ सेकंड बाद। ठीक है, ओके सर मरने के बाद जब हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उसमें कुछ सेकंड, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ फ्रेम टाइम के लिए होता है बस। ओके सर ठीक है, आम की बात करें, एक आम में होती है, पहली हमारी होती है ह्यूमरस जो सबसे ऊपर वाली होती है एक, उसके बाद आती है दो हमारी लोअर आर्म में, उसके बाद आती है हमारी रिस्ट में होती है 16,
एक आम की बताता हूँ, चलो एक में होती है 8 रिस्ट में, रिस्ट के बाद आती है हमारी पाम, पाम में होती है 5, उसके बाद फिंगर्स, फिंगर्स में होती है हमारी 14, ठीक है, ऐसी सिंपल उसकी। और लेग्स, लेग्स में भी ऐसे ही होती है, 1 2 दो, 1 थाई में, फिर नी कैप में, नी कैप में होती है हमारी 2, नी कैप में हमारी 1 होती है, 1 बोन। एंकल्स में होती है 7, और जो सोल होता है उसमें होती है 5, और फिर से 14, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर बोन जानने हो तो वो बताओ। सर ईयर में 6 बोन होती है ना? ईयर में 3 बोन होती है, 3 मतलब हाँ दोनों ईयर की 6 होती हैं, दोनों ईयर की 6 होती है, और वैसे एक ईयर में 3 होती है, 3 सबसे छोटी वाली होती है, ये याद रखना, सबसे छोटी होती है स्टेपस। सर नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट कौन सी बताऊं? सर एटम बता रहे थे ना। अच्छा एटम, और कुछ तो नहीं पूछना। ईयर की और एक होती है मेलस, सर एक सेक्शन बता दिए सर कि मतलब जैसे साइंस से 15 नंबर का आएगा, मैथ से 15 नंबर का आएगा, ऐसा बता दिए कुछ। हाँ जो मुझे सुनने में आया है वो है कि साइंस से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो साइंस के 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके सर, अब उसमें शुक्रिया सर। ये नहीं पता कि बायो के कितने आएंगे, या फिर केमिस्ट्री के कितने आएंगे, फिजिक्स के कितने आएंगे, ये सब नहीं पता। सर रीजनिंग वगैरह का नहीं पता आपको? रीजनिंग का क्या पता होना है? ओके रीजनिंग के जो आएंगे तो आएंगे, उसमें थोड़ी पार्ट्स होते हैं, साइंस में होते हैं ना पार्ट्स, तो देखो स्ट्रक्चर जो हमारा पहला साइंटिस्ट था जे जे थॉमसन, इसने हमारे सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर दिया था। इसने क्या कहा था कि एटम जो है हमारा गोल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फंसे हुए एम्बेडेड है, ठीक है, तो अंदर जो चार्ज हो गया वो हो गया नेगेटिव चार्ज, और बाहर जो चार्ज हो गया वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये जो पूरा है, ये जो एटम है पूरा, ये कैसा हो गया हमारा चार्जली न्यूट्रल हो गया, चार्ज इसका कैसा हो गया न्यूट्रल, ये जे जे थॉमसन ने बताया था। अब जे जे थॉमसन की लिमिटेशन ये थी कि इसने ये नहीं बता पाया था कि जो हमारे चार्ज होते हैं, जो एटम होते हैं, अगर ये न्यूट्रल न्यूट्रल कंडीशन में है तो ये तो अनस्टेबल रहेंगे, और अगर ये न्यूट्रल कंडीशन रहता है तो ये हमेशा ऑलवेज स्टेबल रहेंगे। इसका मतलब तो ये है कि ये कभी अनस्टेबल नहीं हुआ, अनस्टेबल नहीं हुआ इसका मतलब कि ये कभी भी अपने वो नहीं बनाएगा, बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, लाइट एमिट नहीं करेगा, या फिर चार्ज नहीं, या कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन हो गई, ये नहीं बता पाया था। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे, जो कि हमारे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, इन्होंने जो इनकी जो डिस्कवरी थी वो इसी के थ्रू थी, वो जे जे थॉमसन के ही बिहाफ पे इन्होंने स्टडी करी गई थी, कि इन्होंने लिए थे गोल्ड फॉइल लिया था। गोल्ड फॉइल क्यों लिया था, क्योंकि ये बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, और इसके ऊपर 1000 एटम्स की लेयर होती है, मतलब एक के ऊपर ऐसे करके 1000 एटम लगे रहेंगे, ठीक है, और इसने लिए थे अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की रेज ली थी, जो इसके थ्रू इसने
इसके थ्रू इसने अल्फा पार्टिकल्स की रेट जो थी इसके थ्रू डाली गई थी। ये हमारी गोल्ड फॉइल है। जब इसने अल्फा पार्टिकल्स की रेस डाली तो कुछ रेस थी जो एकदम पैरेलल चली गई, कुछ ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और कुछ थी जो एकदम 180 डिग्री पर वापस आ गई। इससे क्या पता चला था इसे कि एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो कैसी है, खाली है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, और बहुत ही छोटा जो एरिया है एटम का वो किसी पॉजिटिव चार्ज ने ले रखा है, जिससे 180 डिग्री पे ये जो रे है, ये वाली रे जो है उससे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर गई, और इसी छोटे वाले एरिया से रेस टकरा के हमारी डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, अब रदरफोर्ड के जो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक एटम है, एटम के अंदर हमारा एक छोटा सा जो एरिया उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर न्यूट्रॉन, इसके अंदर होते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके अराउंड गोल गोल घूमते रहते हैं। अब इसकी रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि जब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहेंगे, राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो इनके अंदर तो एक्सेलरेशन होना होना चाहिए क्योंकि ये राउंड घूम रहे हैं, और एक्सेलरेशन की वजह से इनमें से लाइट एमिट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है, ये इसकी लिमिटेशन थी। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं बोहर, उन्होंने इसको इसी एक्सपेरिमेंट को और एक्सप्लेन करा। बोहर ने, बोहर कहते हैं कि एटम का साइज होता तो ऐसे ही है, बीच में न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी गोल गोल घूमते रहते हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी पोजीशन, एक ऑर्बिट दिया जाता है उन्हें, एक ऑर्बिट दिया जाता है उसी के अंदर घूमते रहता है, उनका जो अपना ऑर्बिट होता है जैसे उनका अपना कोई घर हो, उसी के अंदर घूमते रहेंगे, और इसी के अंदर वो तब भी घूमेंगे जब वो अपने घर के अंदर, जब वो इसके अंदर घूमेंगे तो कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम के, जैसे ही एक्सिलरेट होके ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर चला जाता है, तो तब ये चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने से इसके अंदर क्या निकलती है, वो निकलते हैं लाइट निकलती है। बोहर का मॉडल ये था। बोर ने एक और चीज अच्छा बोर ने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे चार शेल होते हैं, चार शेल होते हैं। कौन सा, के एल और एन। ठीक है, और हर शेल में हमारे जो है कुछ नंबर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस शेल, हर शेल का इन्होंने नंबर भी दिया था, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है, इन्होंने बताया था कि इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो हमारे एक एटम का मास डिनोट करते हैं। मास हमें कैसे पता चलेगा, वो इसी से पता चलेगा। ठीक है, अब जब इन्होंने ये चार शेल बताए, इन शेल में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स रखने का भी तरीका बताया, जो फॉर्मूला था हमारा 2n² और n इसके अंदर क्या है, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट का नंबर है हमारा n। जैसे अगर हमें l नंबर के इस शेल के l ऑर्बिट के अंदर निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो l का क्या नंबर है, 2, 2 × 2² = 2 × 4, 8। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, इसके अंदर 2, इसके अंदर 8, इसमें 16 और इसमें 32। पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर आएंगे, ये सारे आएंगे हमारे
जो आगे इन सेल के और भी सब सेल्स होते हैं, इन ऑर्बिट के और भी सब ऑर्बिट्स होते हैं जो कि आगे आएंगे, आगे मतलब हायर लेवल पे आता है। अभी सिर्फ इतना समझना कि हर हर ऑर्बिट के अंदर, हाँ सर थर्ड वाले में 18 आएगा ना, 18। क्या यस 18? सर। हाँ 18 है, 18 आएगा थर्ड वाले में, 18 आएगा। पर अभी इतना देखना कि ये सारी चीजें हाई लेवल की है। बोर्ड ने ये भी बताया था कि हर ऑर्बिट के अंदर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम पहले वाले ऑर्बिट में आएंगे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी सब में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और इसके जो बाहर वाला है उसमें भी 8। ठीक है, ठीक है, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। और इसका क्या रूल होता है कि पहले तो अंदर वाला, जो इससे छोटा वाला ऑर्बिट है उसको भरा जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑर्बिट को पहले भरा जाएगा पूरे इलेक्ट्रॉन से जितने उसके अंदर आ सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर पे। सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, देखो आगे आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही हमारे डिनोट करता है वैलेंसी। जैसे कि मान लो मेरे पास एक एटम है, ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ठीक है, एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा के शेल है उसके अंदर आएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, जो जितने बच गए, और फिर के एम वाला खाली छूट जाएगा, एन वाला भी खाली छूट जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके अंदर आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन को, पर एक एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट मतलब जो भी इसका बाहर वाला शेल है, मतलब अब जो है इसका बाहर वाला शेल ये नहीं होएगा, ये वाला होएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर तो है ही नहीं, तो इसे गिनना ही क्यों है, तो ये वाला शेल नहीं होएगा, इसका आउटर मोस्ट ये वाला होगा। आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 ही फिल करे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 से ज्यादा नहीं होंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसे हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को अभी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, उधार ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसी चीज को हम कहते हैं वैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो, इलेक्ट्रॉन चाहिए हो कि जिससे वो स्टेबल हो जाए एटम, उसे कहते हैं वैलेंसी। वही हमारा एक और एलिमेंट है, अगर हम ले बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम का क्या है, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें, 4। बेरिलियम में पहले वाले शेल में तो 2 आ जाएंगे और दूसरे वाले में 2। अब इसको आउटर मोस्ट शेल में फिल करने के लिए कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, पर अगर ये कहीं से 6 ले लेगा, इसके लिए न्यूट्रॉन के लिए मुश्किल हो जाएगी कि 6 को इसकी जगह पे पकड़ के रखना। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, बेरिलियम क्या करता है कि अपने 2 को दे देता है किसी को, डोनेट कर देता है। डोनेट करने से क्या होगा, ये वाला शेल तो एम्प्टी हो गया, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये वाला इसे हम गिनेंगे, और इसके अंदर कितना फिल है, ये पूरा, हाँ फिल है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बेरिलियम की 2 वैलेंसी। सर ऑक्सीजन प्लस माइनस कैसे डिनोट होता है? सर क्या, वैलेंसी प्लस नहीं होती है, माइनस नहीं होती है। वो प्लस माइनस होती है हमारे चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम किसी को दे देते हैं तो हम प्लस चार्ज लग जाता है, और जब हम किसी से ले लेते हैं तो नेगेटिव लग जाता है, बस इतना ही होता है।
ठीक है, वैलेंसी, और इसी के बीच में आता है हमारा कार्बन, जिसकी हमारी वैलेंस, जिसके हमारे नंबर्स है 1, 6। अब 6 को कार्बन जो है क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। या तो ये 4 किसी से ले ले, मिल जाए इसे कहीं से, या फिर 4 किसी को डोनेट कर दे। ठीक है, दोनों ही केस पे इसे 4 मिलेंगे तो इसे होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, 4 दे देगा, 4 4 ये दे नहीं सकता, क्योंकि 4 देके इसके पास 2 ही बच जाएंगे, खाली पड़ जाएगा बस। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बन क्या करता है, सबके साथ बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि शेयरिंग वाला बॉन्ड, शेयर करता है एक दूसरे। मान लो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन को एक एटम की जरूरत, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसे एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, तू अभी मेरा एक ले ले, मैं तेरे से बाद में एक ले लूंगा, ये करता है कार्बन शेयर इसके साथ। ठीक है, ये होती है वैलेंसी। वहीं आता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, मतलब कितने प्रोटॉन्स है हमारे एक एटम के अंदर, वो डिपेंड करेंगे हमारे एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल रहेगा हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि एटम कैसा रहता है, चार्ज में स्टेबल रहता है, चार्ज में न्यूट्रल रहता है, चार्ज में न्यूट्रल रहता है, इसलिए अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, उतने ही नंबर के हमारे पास उस एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और यही बताएगा हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे डिनोट करते हैं हम, एटॉमिक मास देते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियस है एटम का, उसी के अंदर हमारे बीचों, इसी के बीचों बीच में रहेंगे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास में हम इसी न्यूक्लियस का मास देखते हैं। ठीक है, और लिखने का क्या तरीका होता है इसका, इसका तरीका होता है, जैसे हमारे पास एक एटम है एक्स, एलिमेंट है एक्स, ऊपर लिखा जाएगा हमारा एटॉमिक मास और नीचे लिखा जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। इसके बाद आता हमारे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 3 फॉर्म होती है, एक हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास 1 है। इसके बाद आता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम भी हमारा होता है हाइड्रोजन की तरह, मतलब हाइड्रोजन ही होता है दूसरे टाइप का, कैसे वाला, जिसके पास एटॉमिक मास 2 होगा पर हाइड्रो पर एटॉमिक नंबर 1 होगा। इसके बाद आता है हमारे ट्रिटियम, जिसके अंदर हमारे ट्रिटियम में हमारे 3 एटॉमिक मास होगा और एक एटॉमिक नंबर होगा। और भी एग्जांपल है, जैसे कार्बन, कार्बन 12 और कार्बन 14, इन सबका एटॉमिक मास सेम है। और हमारे होते हैं क्लोरीन, क्लोरीन 35 और 17,
ठीक है। अब इन सब के दिक्कत ये आती है कि हम जब भी इन सब का मास लें, कैसे मास कितना लेंगे, मास कितना लें, क्योंकि इनके तो दो मास है, मास कौन से वाला लेना है। अब इसका मास लेने के लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। जैसे क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन 35 70 7, तो एवरेज लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कितना पाया जाता है जब हम उसे बनाएंगे। तो जब भी बनाते हैं तो क्लोरीन जो हमेशा पाया जाता है वो 3:1 के रेशियो में पाया जाता है, मतलब 35 वाला 3 लगाएंगे और क्लोरीन वाला वो 37 वाला 1। मतलब अगर हमने 100 क्लोरीन निकाला है उसमें से 75 हमारा होगा 35 वाला और 25 होगा हमारा 37 वाला। ठीक है, अब इसका जो एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे हम इसकी मल्टीप्लीकेशन से, 35 × 75/100 + 37 × 25/100, क्योंकि इसकी परसेंटेज है ये। ठीक है, जब ये आ जाएगा इसके बाद आएगा हमारा 1.05 37। अब इससे हम क्लोरीन का मास निकालेंगे, जो एवरेज आएगी हमारे पास आएगी 35.5 यूनिट। ठीक, एटॉमिक मास हमारा क्लोरीन का ये होता है, जब भी हम लेंगे वो कितना कितना एटॉमिक मास देंगे। एप्लीकेशंस होती है इनकी, एप्लीकेशन जैसे कि यूरेनियम का आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के लिए, यूरेनियम आइसोटोप्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के लिए, फ्यूल बनाने के लिए, फ्यूल के लिए, रॉकेट के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन का यूज करा जाता है गोइटर के लिए, आयोडीन का आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है गोइटर के लिए, गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर एटॉमिक मास सेम है। जैसे एग्जांपल हमारा आर्गन एंड कैल्शियम, कैल्शियम का क्या एटॉमिक मास नंबर है 20, आर्गन का 18, पर इनके दोनों का जो एटॉमिक मास है वो 40 40 है। इन्हें कहते हैं हम आइसोबार्स। ठीक यस आए समझ में सबको? सर, कुछ और जानना है किसी को? हाँ ठीक है, तो एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो इतना ही था, इसके बाद दूसरा कार्बन, आनंद क्या हुआ? सर वो एक क्वेश्चन आया था कल, उसमें लिखा था कि कौन सा नॉन मेटल है जो फूड को स्टोर करने में यूज होता है, और सर उसमें दो एक ऑप्शन था नाइट्रोजन का और एक था कार्बन का। मैंने सर कार्बन पे करा था,
वो तो गलत शो हो रहा था, नाइट्रोजन हाँ वाला सही था। हाँ तो नाइट्रोजन ही होता है बेटा। नाइट्रोजन होता है सर। सर नाइट्रोजन सर पैकेट्स में भरा जाता है। अब वही तो बताया था मैंने, जो ये आपके चिप्स के पैकेट होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि खाना खराब ना हो, उसके अंदर जो चिप्स हैं वो खराब ना हो। रेंसिडिटी के लिए। हाँ हाँ रेंसिडिटी के लिए। आइसोटोन के बारे में बता देना एक बार। आइसोटॉप्स सर, आइसोटोन सर। आइसोटॉप्स क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। आइसोटॉप्स या आइसोबार्स? सर सर आइसोटोन आइसोटॉप आइसोटॉप्स टोन सर। आइसोटोन यस सर। ये क्या होता है आइसोटोन? सर आइसोटोन पढ़ा था सर। हाँ पढ़ा था। सर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा वो आइसो न्यूट्रॉन भी कहते हैं उसे, आइसो न्यूट्रॉन कहते हैं या सब सब न्यूट्रॉन कहते हैं। आइसो न्यूट्रॉन हो गया हमारा, सब न्यूट्रॉन हो गया, यही होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम है, इसमें हमारे न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता और हमारे डिफरेंट, और इससे पर इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम है पर प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट हो जाएगा, जिससे हमारा एटॉमिक मास डिफरेंट है। अल्टीमेटली एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर तो वैसे ही डिफरेंट रहता सबका, ठीक है? जैसा यस सर। इसका,